नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। मणिपुर के हालातों को लेकर और जब से वो वीडियो वायरल हुआ है तब से लेकर सभी ऑपोजिशन पार्टियों ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर दागना शुरू कर दिया है। और ये कहीं ना कहीं बनता भी, क्योंकि डेमोक्रेसी में जिस भी सरकार के अंदर कोई कांड होता है तो विपक्षी पार्टियां जो है वो उनसे सवाल करा करती है। यही तो डेमोक्रेसी को दिखाता है, यही तो दिखाता है कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। आपको बता दें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 से 3 महीने बाद आकर अपनी चुप्पी तोड़ी मणिपुर को लेकर, उसको लेकर भी कांग्रेस हो या और जितने भी विपक्षी दल हो, उन सब ने निशाना साधा है। उन सब ने मणिपुर की घटना को लेकर निशाना साधा है। उन सब ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार मणिपुर में इस समय सरकार में है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये किया गया है, अब इस पे राजनीति जो है वो गर्माती जा रही है। कोई भी मुद्दा देश में आता है उसे पॉलिटिकल बनने में 1 सेकंड नहीं लगता है, क्योंकि उसी पर जो राजनेता है वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकते नजर आते हैं। चाहे वो मुद्दा कितना भी गंभीर क्यों ना हो, चाहे वो मुद्दा कितना भी संवेदनशील क्यों ना हो, हर राजनेता उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता हुआ हमें दिखाई जरूर देता है। और ऐसे ही हालात अब मणिपुर को लेकर भी बनने लगे हैं। जहां एक तरफ ऑपोजिशन पार्टी है जो संसद में खड़े होकर चीख चीख कर मणिपुर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है, सवाल पूछ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो उल्टा कांग्रेस को ही दोष दे रही। उनका कहना है कि माना कि यहां पर मणिपुर में यह घटना हुई और हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, संवेदनशील घटना है और इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, जो कि लिया भी जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के राज में राजस्थान में जिस तरीके से एक महिला के साथ रेप होता है, उस पर एसिड डालकर उसे जलाकर मार दिया जाता है, उस पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? जी हाँ, आपको बता दें कि भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद सामने आते हैं और ऐसी बातें कांग्रेस के लिए करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं आखिर ये चाहते क्या है? मानसून सत्र का जो सेशन है, जो पहले दिन जिस तरीके का हंगामा संसद में मचाया गया है, वो हंगामा क्यों मचाया जा रहा है? अगर आपको मणिपुर की बात करनी है तो आराम से बैठकर कीजिए, एटलीस्ट जो सेशन है वो तो ठीक से चलेगा, बात तो होगी, कहीं सॉल्यूशन पर तो पहुंचेंगे, चिल्ला के तो कुछ होगा नहीं, उनका ये कहना है। और साथ ही साथ उनका आरोप है कांग्रेस पर ये कि ये मणिपुर पे तो बहुत बोल रहे हैं लेकिन राजस्थान पर क्यों नहीं बोले, उस पर क्यों नहीं ट्वीट किए, और जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, जहां पर कांड होते हैं, वहां पर क्यों नहीं बोलते? वाह साहब, ये क्या बात हुई! अब तो आप ऐसे बोल रहे हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई भी चीज बोली जाएगी तो आप ये कहेंगे हाँ ठीक है, ये हो रहा है, लेकिन वहां पर वो भी तो हो रहा है। अब आप एक राज्य के क्राइम को दूसरे राज्य के क्राइम से कंपेयर कर रहे हैं, ये कहां तक ठीक है? देखिए उन्होंने क्या क्या कहा। ये बताएं कि जो हुआ मणिपुर में वो तो शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, स्थिति अब काफी संभल रही है। एक एक अपराधी गिरफ्तार भी हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने कहा, कल सरकार की ओर से बात की गई, माननीय गृह मंत्री ने बात किया, माननीय स्मृति ईरानी जी ने बात किया, आज प्रधानमंत्री ने पब्लिकली कंडेम किया, तो पूरी सख्त कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक मेरे मन में सवाल उठता है, संदेहास्पद परिस्थितियों का ये क्या है? आज हम जुलाई में है ना, तो मई के पहले वीक की घटना एकाएक ट्विटर पे एक दिन पहले आ जाती है, ये क्या है? सदन के शुरू होने के एक दिन पहले और फिर हंगामा शुरू हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, घटना बहुत गलत है, हम सभी उसकी भर्त्सना करते हैं, सख्त कार्रवाई हो रही है और होगी। वहां के मुख्यमंत्री पूरा कार्रवाई कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने इस बारे में बहुत चिंता व्यक्त की है, लेकिन ये क्या है? ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जब परिस्थितियां बहुत संदेह और संशय से भरी हो तो आप उचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। व्हेन ए पर्टिकुलर इंसिडेंट इज सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस अबाउट द टाइमिंग पार्ट, यू कैन ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन। आज मैं एक आग्रह जरूर करूंगा, हम सभी सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं, भारत आजाद है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ट्विटर हो या कोई भी हो, इस तरह से अपने बेटियों की तस्वीर दिखाएंगे आप? ये बहुत पीड़ादायक है, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है, थोड़ा उनको भी जिम्मेवारी का एहसास करना चाहिए।
अब ये तो हो गई मणिपुर की बात। सोनिया जी और प्रियंका जी और राहुल जी, चलिए खड़गे जी, ये जो जोधपुर की घटना हुई है इस पर आप खामोश क्यों है भाई? जोधपुर जिले में एक परिवार के 4 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया, हत्याकांड के बाद चारों शवों को आंगन में रखकर आग लगाई, महिलाएं भी थी ना उसमें परिवार में। सोनिया जी कुछ बोली है क्या? उन्होंने फोन भी किया है क्या अशोक गहलोत को? प्रियंका जी कुछ बोली है क्या? क्या मतलब है इसका? अगर महिला और गरीबों के संवेदनशीलता के प्रति आप जागरूक हैं तो दिखाई तो पड़ना चाहिए ना। और एक घटना तो करौली का रेप केस जो है, एक दलित युवती के साथ गैंगरेप किया गया, हत्या कर फिर एसिड डालकर जलाया गया, ये क्या है? आज तक गहलोत जी ने कुछ उस पर किया, सोनिया जी ने कुछ बोला, प्रियंका जी ने कुछ बोला, राहुल जी ने बोला, खड़गे जी ने बोला। तो ये जो आपके स्पष्ट दोहरे मानदंड हैं, इसके बारे में क्या कहा जाए? हमारी पूरी रिपोर्ट है कि राजस्थान में आजकल बलात्कार की कितनी घटनाएं बढ़ रही है, पूरी रिपोर्ट हमारे पास। कुछ नहीं बोलती कांग्रेस पार्टी। अगर इतना ही महिलाओं के सुरक्षा की चिंता है तो कभी तो आप बोलेंगे। और जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है तो हमारे पास एक और रिपोर्ट है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये तो वहां के नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा बोल रहा है। और जिस तरीके से वहां आदिवासियों का हक छीनकर फेक सर्टिफिकेट पर लोगों को, आदिवासियों का हक लिया जा रहा है, यह भी बहुत बड़ा विषय है। और बाकी भ्रष्टाचार तो है ही है। तो हमारा खाली कहना यह है कि आप सदन चलने दीजिए, बहस करिए, बहस का हम जवाब देंगे, अपनी बात भी कहिए, हमारी बात भी सुनने को तैयार रहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहस में रुचि नहीं रखती, इसलिए आज आपके माध्यम से देश को, पार्टी की चिंता रखनी थी और ये हमने अतीत के कई उदाहरणों से बताया। हम इसे उचित नहीं मानते, मैं फिर रिपीट करूंगा, मणिपुर की घटना बहुत पीड़ादायक है, सख्त कार्रवाई हो रही है और सख्त कार्रवाई होगी। माननीय गृहमंत्री जी ने बात की है, प्रधानमंत्री ने टीका अपनी चिंता बताई है और मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सदन सदन होता है, सदन में आइए, बहस करिए, अपनी बात कहिए, सख्ती से कहिए, हमारा जवाब भी सुनिए, वो ये तैयार नहीं होते। धन्यवाद मित्र। कभी एक भी पूछ लिया कीजिए। हाँ हाँ जी, ठीक है। तो सुना आपने किस तरीके से रविशंकर प्रसाद ने यहाँ पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि आपके राज्य में भी तो ये हो रहा है। मतलब अब हमारे देश की स्थिति यहाँ आ चुकी है, अब हमारे देश की स्थिति जो है वो यहाँ आ चुकी है कि यहाँ ये कहा जाएगा कि ठीक है मेरे राज्य में क्राइम हो रहा है लेकिन आपके राज्य में भी तो हो रहा है, आपके राज्य से तो कम ही हो रहा है। ये क्या बात हुई? अब क्या हम क्राइम को भी कंपेयर करेंगे? ये तो साफ साफ दिखाता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, बल्कि अब आप ब्लेम गेम खेल रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं कि हम बुरे ही सही लेकिन सामने वालों से कम बुरे हैं। ये क्या बात हुई भाई साहब? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है एक लोकतांत्रिक देश में, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर जो लॉज है उनके आधार पर चीजें चलती हैं। या तो आप सीधा सीधा तानाशाही डिक्लेयर कर दीजिए। और इसी को लेकर अब आप क्या सोचते हैं दर्शकों? मणिपुर का मुद्दा बहुत संवेदनशील है लेकिन इस पर राजनीतिक रोटियां जो सेकी जा रही हैं उसको लेकर आपका क्या मानना है? क्योंकि हर मुद्दे को यहाँ पर पॉलिटिकल बना दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं कि इसको पॉलिटिकल बनाना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हमारे दर्शकों की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।